हेलो आई एम गोविन फ्रॉम सी एल सी सीकर सी एल सी हैज कंडक्टेड सी एल सी टेक्नो 23 ऑन द डेट ऑफ फोर्थ डिसंबर 2023। नाउ हेयर वी हैव डिस्क्राइब द सॉल्यूशन ऑफ अ मैथमेटिकल पोर्शन ऑफ द पेपर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज अ अच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू कौन सा स्टेटमेंट आपका क्या ट्रू है

उसके रैशनल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन रैशनल नंबर भी रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनल नंबर आएगा तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट कर है बाकी सारे आपके रॉन्ग है व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम माइनस थ्री अपॉन फोर फॉर गेट अ माइनस फोर सबट्रैक्ट करना इसमें से तो माइनस थ्री अपॉन फोर नाउ ट्रांसफर इज दिस वन तो माइनस इधर बच गया क्या हो गया माइनस फोर प्लस थ्री अपॉन फोर दोनों का एल्सियम आ जाएगा कितना जाएगा फोर कितना हो जाएगा माइनस सिक्सटीन प्लस थ्री कितना जाएगा माइनस का थर्टीन अपॉन फोर इधर क्या है माइनस एक्स है माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया थर्टीन अपॉन फोर सो दैट ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी अ करेक्ट आंसर नाउ माइनस फोर अपॉन थ्री इंटू थ्री अपॉन टू प्लस एट अपॉन थ्री इंटू नाइन अपॉन टू प्लस है देखो यहां पे थ्री से थ्री कैंसिल आउट हो गया और 2 से फोर कैंसिल आउट हो गया टू टाइम्स थ्री से नाइन कैंसिल आउट हो गया थ्री टाइम और टू से एट कैंसिल आउट हो गया फोर टाइम्स अब ये क्या बच गया माइनस का टू और ये क्या बच गया फोर इंटू थ्री ट्वेल्व इन दोनों से क्या बच गया प्लस का टेन और टेन और सिक्सटीन क्या होता है आपका ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन नंबर फोर्थ The is not a rational number. Rational number जिसका हम क्या करेंगे, करेंगे? Number, का होता है, लेकिन जीरो का नहीं होता दी रूट ऑफ इक्वेशन इक्वेशन का रूट माइनस एट को ट्रांसफर करेंगे प्लस टेन हो जाएगा आपका नंबर इट बिकम्स ट्वेंटी फाइव एक नंबर में नाइन एड करेंगे तो एक्स प्लस नाइन इक्वल टू ट्वेंटी फाइव

आपका सेवन नहीं आता किसी भी नंबर में देख लो सेवन आपका कभी भी आपका डिजिट नहीं होता एट भी नहीं होता थ्री भी नहीं होता फाइव होता ये किसका है उसके बाद में देखो क्या बोला परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर जो छोटा जो आप इन सारों से डिवाइडेड है आपके हम बात करते हैं इससे हम थ्री सिक्स जीरो जीरो में सारे नंबर डिवाइड होते हैं और ट्वेंटी का डिवाइड होता है का डिवाइड फिर हम बात करेंगे हंड्रेड में बात करेंगे सिक्स का डिवाइड होगा नाइन का डिवाइड होगा फिफ्टीन का डिवाइड होगा ट्वेंटी का डिवाइड डेफिनेटली लीस्ट बोला हुआ है तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट आंसर

168 तक कितना जाएंगे 8 आ जाएंगे तो 10 एंड 8 18 18 एंड 6 24 ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी अ करेक्ट आंसर दिस साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आर 80 एंड 18 मीटर 80 मीटर और 18 मीटर दिया हुआ है देन इट्स डायगोनल डायगोनल क्या होता है रूट के अंदर l2 स्क्वायर तो हम फाइंड करेंगे तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी अ करेक्ट आंसर पैरीमीटर ऑफ पैरोग्राम पेरीमीग्राम वोल ट्वेल्व एंड अर 7 तो क्या करेंगे दोनों का सम कर देंगे मल्टीप्लाई बाय टू कर देंगे जो रेक्टेंगल का पैरिमीटर होता है वो इस पैरोग्राम का होता है 12 प्लस नाइन कितना आपका 19 12 प्लस सेवन कितना आंसर विल बी अटी 38

and the adjacent sides are equal definitely in the rhombus we have to find the adjacent sides are equal adjacent sides we can say all four sides are equal so we can say adjacent sides are equal because we have said that all sides are congruent means all sides are equal so it is a second option that is a diagonals are a equal it is a not a fulfilled situation so option number second will be a correct answer the angles of a quadrilateral are in the ratio of a 1 ratio, 2 ratio, 3 ratio, 4. Now, we have to sum the all the ratios that is a 10. Now, divided by 360, then we get a 36 degree, 36 is multiplied by 4, then we get a 144 degree. So, option number second will be a correct answer. Diagonals of rectangle are 7 x plus 5 and 5 x plus 9, find the measure of a x.

फेस होंगे वो रेक्टेंगल होने चाहिए तो रेक्टेंगलोग्राम का एक पार्ट है तो उसको पैरलोग्राम भी बोल सकते ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट आंसर नंबर ऑफ वर्टेसिस ऑफ कोन एज कॉन के अंदर वर्टेसिस कितने वन वर्टेसिस होता है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट आंसर वन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू हाउ मेनी मिलीमीटर स्क्वायर वन सेंटीमीटर इक्वल्स टू टेन मिलीमीटर स्क्वायर कर दिया तो क्या हो जाएगा हंड्रेड वन लीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर हमें पता है वन हाउ थाउजेंड सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू वन लीटर होता है ठीक है थाउजेंड सेंटीमीटर क्यूब हो गया एरिया ऑफ रॉम्बस का एरिया क्या होता है कितना है है आपको into D2 पता नहीं है, equals to 240. तो इससे क्या डी इक्वल टू ये से गया एट टाइम तो क्या हो गया टू फोर्टी डिवाइडेड बाय एट कितना आपका थर्टी थर्टी सेंटीमीटर विल बी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी करेक्ट आंसर रोलर ऑफ रोलर उसके बाद में डायमी सेंटीमीटर लेवल्ड लेवल्ड एरिया एरिया है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे आपकी जो लेंथ है वो हमारी क्या बन जाएगी हाइट और ये हमारे क्या है डायमीटर डायमीटर का हाफ कर देंगे तो रेडियस आ जाएगी थर्टी फाइव सेंटीमीटर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया थर्टी अपॉन मीटर हो गया तो अब हम बात कर रहे हैं लेवल्ड एरिया हम बात कर रहे हैं सिलेंडर के सिलेंडर का लेवल एरिया कौन सा पार्ट घूमेगा वो आपका आपका सरफेस सरफेस एरिया एरिया का फॉर्मूला होता है क्या होता है टू पाई आर एच तो टू इंटू ट्वेंटी टू अपॉन सेवन इंटू थर्टी फाइव अपॉन हंड्रेड इंटू क्या है वन पॉइंट फोर वन पॉइंट फोर पॉइंट हटा दिया हमने पे पॉइंट को हटाएंगे कितना जाएगा टेन रिमूव कर दिया और फाइव हंड्रेड रिवॉल्यूशन है इन क्या कर दिया हंड्रेड ठीक है अब यहाँ पे क्या हो जाएगा की की टेबल टेबल से से ये गया टाइम <coughs> टाइम को कैंसिल आउट किया हंड्रेड टाइम्स और हंड्रेड से हंड्रेड कैंसिल आउट हो गया अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा ट्वेंटी टू इंटू सेवनटी कितना जीरो मीटर स्क्वायर देन ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट आंसर रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ अ टू राइट सर्कुलर सिलेंडर दैट इज अ वन रेशियो टू एंड रेशियो ऑफ देयर हाइट्स दैट इज अ फोर रेशियो वन मतलब आपको दिया हुआ है आर 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 वन वन टू फिर आपको दिया हुआ है एच वन रेशियो एच टू कितना फोर रेशियो वन अभी क्या बोल रहा है रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा पाई आर वन स्क्वायर एच वन अपॉन पाई आर टू स्क्वायर एच टू पाई से पाई गया आर वन इसे मान लो कंसीडर कर दिया आर तो क्या हो गया आर इन आर और एच वन कितना है आपका फोर एच अब आर टू आर टू को हमने बोल दिया टू आर इन टू आर और एच टू को एच टू की जगह क्या आ जाएगा एच एच से एच गया आर से आर गया और आर से आर गया टू के टेबल से ये गया टू टाइम टू से ये गया वन टाइम क्या आ गया वन रेशियो वन वन रेशियो वन करेक्ट आंसर दो ऑप्शन सिलेंडर दैट इजीन पाई सेंटीमीटर क्यूब मतलब आपको दिया पाई स्क्वेर इक्वल टू सिक्सटीन पाई पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया आर की वैल्यू कितनी आ गई फोर नाउ आपको हाइट गिवन है फाइव तो क्या हो जाएगा टू पाई आर एच टू पाई आर एच टू इंटू पाई की जगह पाई छोड़ दिया आर की जगह फोर छोड़ दिया और एच की जगह क्या कर देंगे कितना होगा पाई सेंटीमीटर क्यूब विल बी अ सरफेस एरिया ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट माई सेल्फ नीले प्लानी मैथ फैकल्टी सीएल शिखर आज टेक्नो के थर्ड और फोर्थ फेज का मेंटल एबिलिटी का पेपर का सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं ट्वेंटी सिक्स

और एम माइनस वन एन मतलब माइनस वन का सीरीज चल रहा है देन हाउ टाइगर इज रिलेटेड और लास्ट से आ रहा है मतलब सीधी सी बात है कि आर मतलब क्यू डी एफ एच एस तो एस टी एच आई एफ जी डी ई क्यू आर मतलब पूरा हमारे पास यहां से बन गया तो ऐसा ऑप्शन देखते हैं क्यू डी एफ एच एस ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज है राइट आंसर

फॉलोइंग रिस्पॉन्स इज द करेक्ट हमें करेक्ट यहाँ से चेक करना है सबसे पहले तो सबसे पहले आ जाएगा एट मल्टीप्लाई बाई फाइव इक्वस टू ट्वेंटी सेवन माइनस थ्री प्लस सिक्सटीन ऐसा ही तो है ना एट फिर मल्टीप्लाई फिर फाइव फिर इक्वस टू ट्वेंटी सेवन फिर माइनस थ्री फिर प्लस सिक्सटीन यही तो है ना तो ये आ जाएगा फोर्टी और इसे सॉल्व करते हो तो ये आते हैं ट्वेंटी फोर और ये है प्लस सिक्सटीन तो ये हो जाएंगे 40 मतलब 40 क्वेश्चन टू फोर्टी ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द मैथमेटिकल साइंस टू रिप्लेस स्टार साइंस सो एज द बैलेंस द इक्वेशन इक्वेशन को बैलेंस हमें करना है तो पहला है 8 प्लस एट इक्व टू वन डिवाइड बाई इलेवन माइनस इलेवन तो ये तो पॉसिबल नहीं है तो फ्रैक्शन में आ गया फिर एट इन टू एट प्लस तो ये वैल्यू के इक्वल रहेगी तो ये तो वैल्यू मोर देन वन है तो फर्स्ट नहीं सेकंड नहीं थर्ड एट डिवाइडेड बाई एट मल्टीप्लाई वन प्लस इलेवन इक्वस टू इलेवन तो ये आ जाएगा, ये, आ जाएगा तो वन इंट वन वन और ये पॉसिबल तो वैसे देखा जाए तो फोर्थ आंसर है ही क्योंकि रिमाइंडर है हमारे पास बट एक बार चेक कर लेते हैं एट माइनस एट प्लस वन टू इलेवन डिवाइडेड बाई इलेवन तो ये तो वन आ ही रहा है और इसे जीरो हो गया तो वन इक्वल टू तो वन ऑप्शन नंबर फोर्थ वॉज द डे ऑफ वीक ऑन 17 जून 1998? तो 17 जून, अब जून का कोड एम जे ए टू फाइव थ्री तो जून का कोड कितना हो जाएगा एट फिर थ्री फिर हंड्रेड रिमाइंडर और यहां से अगर हम लोग फोर का डिवाइड करें तो ट्वेंटी फोर टाइम्स डिवाइडेड बाई सेवन तो ये हो जाएगा फोर्टीन टाइम्स हो रहा है पूरा पूरा तो ये तो जीरो रिमाइंडर वन और रिमाइंडर ये रह गया थ्री तो तो क्योंकि जो डे होता है वो क्या हो जाएगा वेनजे वॉज द डे ऑफ द वीक ऑफ सिक्स जुलाई सेवनटीन सेवेंटी सिक्स तो सबसे पहले सिक्सटीन जुलाई में अगर हम लोग देखें हमारे पास एक सीरीज होती है जा फमन जा अंबर मजा यही तो है ना जुलाई और अप्रैल का कोड कितना होता है उसमें जीरो होता है फिर ये आ जाएगा 76 सिक्स और सेवनटीन हंड्रेड में डिवाइड किया फोर हंड्रेड से तो रिमाइंडर देखो अगर रिमाइंडर अगर हम या तो जीरो या हंड्रेड या टू हंड्रेड या थ्री हंड्रेड जीरो फिर टू टू फोर और सिक्स ऐसे तो रहते ना तो यहाँ रिमाइंडर कितना रहेगा सेवनटीन हंड्रेड में अगर डिमाइंडर करेंगे तो हंड्रेड रहेगा तो ये कितना जाएगा? फोर और फिर सेवेंटी सिक्स को अगर हम लोग फोर से डिवाइड करें तो कितनी टाइम मैक्सिमम होगा ये बताइए नाइनटीन टाइम्स पूरा पूरा हो रहा है ना 19 टाइम्स तो 19 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा सेवन तो सेवन टू जो फोर्टीन रिमाइंडर टू और यहां से अगर हम लोग एटी की बात करें या फिर इसे में करें तो सिक्स और ये रिमाइंडर रहा थ्री और ये कितने रह गए नाइनटीन और थ्री कितने होते हैं ट्वेंटी टू तो रिमाइंडर वन वन और टू थ्री ट्यूसडे आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर मनिक इज द फोर्टी फ्रॉम द राइट एंड इन अ रो ऑफ फोर्टी बॉयज़ जो मनिक है वो हमारे पास है राइट right एंड से जिसमें क्लास में कितने बच्चे हैं फोर्टी तो एक्स कंसिडर कर लिया एक्स प्लस फोर्टीन माइनस वन इक्व टू फोर्टी यही तो है ना तो एक्स इक्व टू कितना फोर्टी माइनस थर्टीन तो ये आ जाएगा टेन में से थ्री गया सेवन थ्री में से वन गया टू ट्वेंटी सेवेंथ क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर इफ राम रन जो राम है वो श्याम से श्याम से रन लेस फास्ट देन श्याम मतलब श्याम से कम तेज दौड़ रहा है वो कौन राम तो श्याम ज्यादा तेज दौड़ रहे है? राम रन ले श्याम है श्याम जो है वो क्या कर रहे हैं श्याम रन एज फास्ट एज लाल लाल से तेज जोड़ रहे बट लेस फास्ट देन टॉम टॉम से क्या कर रहे हैं स्लो है तो देखा जाए तो आंसर तो टॉम ही रहा है ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर इन एग्जामिनेशन राहुल गोड द इलेवंथ रैंक जो राहुल है हमारे पास उसकी इलेवेंथ रैंक है एंड ही फ्रॉम द बॉटम अमोंग उसमें क्या है जो कि पास्ड है तो राउंड राहुल का इलेवेंथ रैंक है और ही वॉज फोर्टी सेवन फ्रॉम द बॉटम अमोग पास्ट जो कि पास्ट है जिसमें फोर्टी सेवन रैंक है थ्री स्टूडेंट कुड नॉट अपियर द एग्जाम तीन स्टूडेंट एग्जाम नहीं हुआ और वन स्टूडेंट क्या हो गया हो गया. What is the total number of the student? तो सबसे पहले तो यहां से calculate कर लेते हैं. ये 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 और five. 58 तो हो गए. और 58 -1 कितना हो जाएगा यहाँ से फिफ्टी सेवन और फोर स्टूडेंट ये हो जाएंगे मतलब द मिसिंग टर्म फिश जैसे गिल्स होती हैं, तो वैसे humans में क्या होते हैं लंग्स फ्लो रिवर जैसे जो फ्लो होता है वो रिवर का होता है तो ट्रगेमेंट जो है वो किसका है पुल का स्थिरता सीता स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट वॉक टू किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ टू किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ टर्न टूअर्ड हर राइट एंड वॉक अ डिस्टेंस ऑफ टू किलोमीटर टर्न राइट अगेन एंड वॉक वॉट इज द डायरेक्शन इज हिज फेसिंग तो बेसिकली तो अगर हम लोग देखें कि इसका फेस किधर था नॉर्थ में था फिर एक राइट right टर्न तो यहाँ लिया इसने दूसरा राइट टर्न यहाँ पर्सन टेक इन अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा साउथ ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर सुमित वॉक टेन माइल्स फ्रॉम पॉइंट पी पॉइंट पी से सुमित टेन माइल्स टूवर्ड्स ईस्ट टेन माइल्स है वो ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है राइट टर्न एंड वोक अव माइल्स ये राइट right टर्न लेगा और क्या करेगा फाइव माइल्स घूमेगा एंड टेकिंग यहां से वापिस कौन सा राइट right टर्न लेगा और क्या करेगा ये फाइव मीटर यहां से चलेगा इन विच डायरेक्शन पॉइंट पी फ्रॉम सुमित इज स्टैंडिंग नाउ सुमित स्टैंडिंग नाउ मतलब ये नॉर्थ और ये हो जाएगा वेस्ट तो आंसर क्या हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ राइट टर्न एंड वॉक द अगेन अनदर फाइव माइल्स इन विच डायरेक्शन इज फ्रॉम वेर सुमित इज स्टैंडिंग नाउ सुमित जहां खड़ा है right a a right उसे इन नॉर्थ ही वेस्ट तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स

फोर्टी टू स्प्रिंग बैलेंस इज यूज टू मेजर स्प्रिंग बैलेंस होते हैं वो हमेशा वेट को मेजर करने के काम आती है मास को नहीं करती प्रेशर को नहीं करती स्पीड को भी नहीं करती सेकंड ऑप्शन हमारा यहां पे करेक्ट होगा ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री बाई डिक्रीजिंग द कॉन्टेक्ट एरिया ऑफ प्रेशर इज डिक्रीज इज रिमेन सेम इज इंक्रीज नन प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया

वॉल के नजदीक लेकर जाओगे तो वो उसपे चिपक जाएगा क्योंकि उस उसपे चार्ज आ जाते हैं वो चार्ज हो जाता है उस उसपे तो वो इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स होता है अब चार्ज आएगा तो दो तो चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा फोर्स लगेगा तो पे हमारा फोर्स सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45, फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस द मैक्सिमम फ्रिक्शन द रविंग ऑफ सैंड पेपर ऑन ग्लैस पेपर द रविंग ऑफ सैंड पेपर ऑन ग्लास टेबल टॉप रबिंग ऑफ सैंड पेपर ऑन एल्यूमिनियम पेपर ठीक है जितनी ज्यादा रफनेस होगी उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा ठीक है फ्रिक्शन इज ड्यू टू रफनेस ऑफ सर्फेसिस ठीक है और जो वो मोशन को अपोज करेगा तो सैंड पेपर ज्यादा रफ और ग्लेस पेपर कम रफ होता तो इसका होगा बट कम होगा सैंड पेपर एंड ग्लास पेपर इसका भी फ्रिक्शन कम होगा सैंड पेपर एंड एल्यूमिनियम फ्रेम इसका भी कम होगा लेकिन फोर्थ ऑप्शन है रबिंग ऑफ एंड रौ। दोनों रफ को आपस में अगर रब करेंगे तो फ्रिक्शन यहां पे सबसे ज्यादा होगा तो ऑप्शन तो हो जाएगा ठीक है जितनी ज्यादा रफनेस होगी फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा होगा क्वेश्चन फोर्टी सिक्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन रफनेस ऑफ सरफेस बिल्कुल रफनेस ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है स्मूथनेस ऑफ तो सरफेस बिल्कुल स्मूथनेस ऑफ सरफेस पे डिपेंड करेगा जितनी ज्यादा रफनेस होगी फ्रिक्शन उतना ज्यादा होगा जितनी ज्यादा स्मूथनेस होगी फ्रिक्शन फोर्स उतना ही कम होगा तो ये दोनों डिपेंड करेंगे इंक्लिनेशन ऑफ डिपेंड करेगा फ्रिक्शन फोर्स तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन जाएगा क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन विच ऑफ दोड्यूट इज लीस्ट फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग सबसे ज्यादा होता है लेकिन रोलिंग की वजह से क्या होता है जो कॉन्टेक्ट सर्फेस हो उसमें कोई रिलेटिव मूवमेंट नहीं होता है रोलिंग होती है ठीक है तो इसमें होता है जो स्टेटिक फ्रिक्शन है वो सबसे ज्यादा होता है उसके बाद में काइनेटिक फ्रिक्शन और उसके बाद में आता है रोलिंग फ्रिक्शन तो रोलिंग फ्रिक्शन है वो सबसे कम है? 48, always, cases, होता है ठीक है क्वेश्चन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंसटाइम ऑलवेज अंडर स्पेशल केसेस नेवर ये ऑलवेज होता है दिस इज अ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ रे इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है तो ये ऑलवेज करेक्ट है ठीक है तो ऑप्शन टू यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन नाइन रेनबो इज ए नेचुरल फिनोमेना शोइंग रेनबो क्या होता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट होता है क्या होता है प्रकाश का वन विक्षेपण होता है व्हाइट लाइट को लाइट को सेवन कलर्स में क्या करता है? डिस्पर्स कर देता है ठीक है वही रेनबो होता है ये जो भी इंसिडेंट होती है उसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट ठीक है और इसमें रिफ्रेक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों फिनोमेना होते हैं उसकी वजह से हमें रेनबो दिखाई देता है और इस

ऑप्शन टू हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लाइंड स्पॉट इज राइट आंसर ठीक है यहाँ पे सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट होता है थैंक यू वेरी मच 51 नंबर के सवाल की अगर बात करें बात करना चाह रहे हैं इनमें से कौन सी ऐसी मेटल है जो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे ठीक है लिक्विड फॉर्म में होती है रूम टेम्परेचर पे ठीक है तो बात करना चाह रहे हैं मेटल की तो जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं तो आपको पता मरकरी जो होती है और जो ब्रोविन होती है दोनों जो होती है लिक्विड फॉर्म में होती है रूम टेम्परेचर पे लेकिन ये बात करना चाह रहा है मेटल की मेटल की बात करना चाह रहा है तो ब्रोमीन जो होता है एक प्रकार का नॉन मेटल होता है ठीक है तो ऑप्शन क्या आएगा इसका सेकेंड ऑप्शन पारा जो होता है एक प्रकार की मेटल होती है ठीक है एसिड जो होता है मरकरी जो होता है मरकरी जो होती है लिक्विड फॉर्म में होती है और मेटल होती है 52 नंबर का सवाल जो है बात करना चाह रहा है नॉन मेटल जो खुला छोड़ने पर विस्फोटक की तरह व्यवहार करती है ठीक है आग पकड़ने लगती है ठीक है तो आपको पता है फॉस्फोरस जो होता है वाइट फॉस्फोरस जो होता है फॉस्फोरस जो होता है वायु की उपस्थिति में रूम टेम्परेचर पे पच्चीस डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर खुला छोड़ दो आप ठीक है तो ये आग पकड़ लेता है तो ऑप्शन आएगा इसका थर्ड ऑप्शन बेटा अगला सवाल जो है इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है मेटल की जिसकी वजह से जो घंटी की आवाज़ आपको सुनाई देती है तो जो आवाज़ वाली जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं उसकी सोनोरिटी नाम की प्रॉपर्टी की वजह से ठीक है सोनोरिटी जो होती है उसकी वजह से इसमें आवाज़ आती है इसकी प्रॉपर्टी जो होती है इसको बोलते हो आप सोनोरिटी अगला सवाल जो है इनमें से कौन सा ऐसा है जो जलने की प्रक्रिया रखता है जिनमें जो ज्वलनशील होता है ठीक है तो जो एल जो होती है वो जलने की होती है कोल जो होता है कोयला जो होता है वो भी जलने में सहायक होता है लेकिन वाटर जो होता है वो उसको जला नहीं सकते आप इसमें एल पी जी होती है कोल होता है लेकिन सेंड जो होते हैं मिट्टी जो होती है वो जलती नहीं है एल पी जी होती है आप इसको एज ए फ्यूल यूज़ करते हो आप ठीक है पेट्रोल जो होता है और कोल जो होता है ये तीनों जो हैं एक प्रकार की इसमें जलने की प्रोसेस होती है ठीक है लेकिन मिट्टी जो होती है फोर्थ ऑप्शन है ये नहीं आएगा ठीक है तो ऑप्शन आएगा इसका थर्ड ऑप्शन ऑप्शन क्या इसका एलपीजी पी जी पेट्रोल कोले जो होते हैं ये क्या होते हैं ज्वलनशील पदार्थ होते हैं बेटा ठीक है अगले सवाल की अगर बात करें अगला सवाल बोलना चाह रहा है कि जो सन जो होता है सूर्य जो होता है उसमें लाइट और हीट जो होती है और किस वजह से प्रोड्यूस हो रही है उसमें लाइट जो होती है हीट जो होती है किस वजह से उत्पन्न हो रही है तो आपको पता है उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन चल रही होती है उसमें क्या होती है न्यूक्लियर रिएक्शन चल रही है तो न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से उसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है तो ट प्रोड्यूस हो रही है हाइड्रोजन के न्यूक्लियस आते हैं हाइड्रोजन के न्यूक्लियस आते हैं और हीलियम का न्यूक्लियस बनता है तो ये जो प्रोसेस हो रही है हीलियम का न्यूक्लियस बन रहा होता है है ये जो प्रोसेस एक प्रकार की न्यूक्लियर रिएक्शन है उसमें बहुत सार की बहुत सारी मात्रा में बड़ी मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है हीट प्रोड्यूस हो रही है लाइट प्रोड्यूस हो रही है ठीक है तो इसको बोलोगे आप न्यूक्लियर रिएक्शन अगला सवाल जो है आतिशबाजी जो होती है आपको पता है एक प्रकार का एक्सप्लोजन होता है एक प्रकार का विस्फोटक होता है विस्फोट टाइप की ठीक है है रिएक्शन होती वही विस्फोट का एग्जाम्पल होता है बेटा ठीक है अगला सवाल की अगर बात करें बड़े पैमाने पर जो वनों की कटाई की जाती है ठीक है बड़े पैमाने पर जो वनों की जो कटाई की जा रही है ठीक है पेड़ों की कटाई की जा रही है उसको आप बोलते हो वन उन्मूलन डीफोरेस्टेशन डीफॉरेस्टेशन वन उन्मूलन ठीक है का मतलब है 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 वन लगाना पेड़ लगाना पेड़ ठीक का मतलब है, पहले पेड़ थे किसी कटाई कर दी गई है लेकिन दोबारा पेड़ लगाए जा रहे हैं पेड़ों की कटाई की बात चल रही है बड़ी मात्रा में लार्ज अमाउंट रहे, हैं, रहे तो इसको बोलते डिफोरेस्टेशन वन उन्मूलन है ठीक है अगला सवाल जो है पेट्रोलियम जो है ठीक है पेट्रोलियम जो है उनको सेपरेट जो किया जाता है वो किस आधार पर किया जाता है बेस क्या है उसका? है उसका ठीक तो पेट्रोलियम जो है जैसे पेट्रोल हो गया डीजल हो गया पैराफिन वैक्स हो गया ठीक है और कोलतार हो गया उसमें बहुत सारी जैसे केरोसिन हो गया बहुत सारे उसके कंटेंट है आप उनको अलग करना है तो अलग अलग जो करने की जो प्रोसेस होती है ठीक है उसका जो मेन रीजन होता है उनका इन सब का बॉइलिंग पॉइंट ठीक है ये डिस्टिलेशन एक प्रक्रिया होती है उसकी वजह से इसको अलग करते हो आप ठीक आसवन जो होता है जब इसको गर्म करोगे आप तो जो पहले वाष्पित होगा ठीक है उसको अलग लिया जाएगा फिर जैसे और गर्म करोगे आप तो दूसरा कंपोनेंट जो है वो गर्म होगा वाष्पित होगा उसको अलग कर लोगे आप तो जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है उस प्रोसेस के आधार पर इनको आप अलग करते हो तो ऑप्शन ऑप्शन आएगा बॉइलिंग पॉइंट जो होता है उसके आधार पर इनको अलग किया जाता है बेटा बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर इसको अलग किया जाता है अब के के डायरेक्ट अगला सवाल जो है बोलना चाह रहा है कि ब्राउन ऑफ कोल कौन सी है भूरी क्वालिटी कार्बन की ऐसी कौन सी है जो मिनिमम कार्बन का अमाउंट रखता है ठीक है आपको पता है जो मिनिमम कार्बन की मात्रा जो होती है और जो भूरी किस्म जो होती है कोयले की वैसा पीट होती है कौन सी होती है पीट होती है बेटा क्या होती है पीट ऑप्शन आएगा इसका अगला सवाल जो है इनमें से कौन सा ऐसा है जो पेट्रोलियम का संगठक है पेट्रोलियम बनाने का काम करता है जिससे पेट्रोलियम बना होता है तो आपको पता है पेट्रोल जो होता है पेट्रोलियम का संगठक होता है पैराफिन जो होता है पेट्रोलियम का संगठक होता है कोयला जो होता है इसका पेट्रोलियम का संगठक नहीं होता है क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में नहीं होता सॉलिड फॉर्म में होता है ठीक है ये बात अलग है इसकी ठीक है वैक्स जो होता है पैराफिन वैक्स जो होती है ठीक है ये जो क्या होती है पेट्रोलियम के घटक होते हैं तो ये भी आएगा यह आएगा यह आएगा ए बी सी ऑप्शन है इसका थर्ड ऑप्शन ऑप्शन क्या आएगा इसका बेटा थर्ड ऑप्शन ओके शुक्रिया थैंक यू ऑल द बेस्ट हेलो स्टूडेंट्स माई सेल्फ निकिता साबू बायोलॉजी फैकल्टी टीम सी एल सी हम सी एल सी टेक्नो के पेपर में बायोलॉजी के पोर्शन का सोल्यूशन करेंगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोमेस्टिकेटेड एनिमल देखिए वेरी इजी टाइप क्वेश्चन इनमें से कौन सा आपको पहचाना है डोमेस्टिकेटेड एनिमल है तो बफेलो क्या है आपका डोमेस्टिकेटेड एनिमल है चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं यूरिया इज्म यूरिया इज अब यहाँ पे आपको ब्लैंक स्पेस में फिल uh, करना है कि क्या है ये तो यूरिया इज अट्रोजिनस फर्टिलाईजर ठीक है तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन पे move कर, next question पे मूव मूव कर क्वेश्चन करते हैं अरेंज द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑन द ऑर्डर इन विच दे आर फॉलोड ठीक है order followed, जिस जिस ऑर्डर में इनको फॉलो किया जाता है ना आपको उनको सेट करना था ठीक है तो आप देखिए इसमें इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट रहेगा कैसे रहेगा देखिए पहले क्या करेंगे E, यानी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इसके बाद बी देखिए सोइंग इसके बाद क्या है एफ देखिए एडिंग एडिंग मेन्योर फिर क्या है डी डी क्या है इरिगेशन ये क्या है ए यानी हार्वेस्टिंग एंड सी क्या है स्टोरेज तो ये जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस बैठता है तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो रहेगा वो अपना करेक्ट रहेगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं किचन ऑफ द सेल इज कॉल्ड किचन ऑफ द सेल इज कॉल्ड वेरी इजी क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? Chloroplast. Chloroplast होता है ना जिसके अंदर फूड बनता है ठीक है चलिए पर move करते हैं हम चलिए टिश्यू इज अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स ठीक है सेल्स जब ग्रुप बनाती हैं तो वो क्या बना लेती हैं टिश्यूज बना लेती हैं। तो यहां पर अपना ग्रुप ऑफ सेल आंसर करेक्ट हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं रीड द फॉलोइंग ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म द पेयर दैट बिलोंग्स टू द ग्रुप प्रोकेरियॉट्स ठीक है इज कौन सा है जिसमें केवल इन चारों में से आपको वो फाइंड आउट करना है जिसके अंदर केवल और केवल क्या है जिसके अंदर केवल और केवल प्रोकेरियोट्स हैं, ठीक है थीके? तो अब आप देखिए बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एलगी ये जो रहेगा अपना ऑप्शन करेक्ट रहेगा बाकी सब में यूकेरियोट्स आ रहे तो ये प्रोकेरियोट है दोनों ठीक है तो ये ऑप्शन अपना ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट रहेगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर

सेल्स ठीक है चलिए पढ़ते हैं स्टेटमेंट को सेल्स कैन बी इजीली सीन नेकेड आई नो इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट सेल इज़ नॉट अ सेल ठीक है ये भी क्या हो गया अपना गलत स्टेटमेंट हो गया अ सिंगल सेल कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शंस इन एन यूनिसेलर बिल्कुल सही बात है क्योंकि यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब यही हो गया ना कि उनमें सिंगल सेल है आया ना ठीक है तो इसमें सिंगल सेल है तो इसके अंदर क्या हो गया सिंगल सेल ही तो सारे फंक्शन को परफॉर्म करेगी तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो अपना करेक्ट हो गया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं एग्स आर फॉर्म्ड इन दी एग्स कहाँ पर बनते हैं एग्स बनते हैं बेटा ओवरी के अंदर ठीक है ओवरी में बनते हैं तो यहाँ पर अपना ये ऑप्शन जो है सेकंड करेक्ट हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं इन ह्यूमन द डेवलपमेंट ऑफ क्या पूछा है डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज एग टेक प्लेस जब फर्टिलाइज हो जाता है एग उसके बाद डेवलपमेंट उसका कहाँ होता है तो डेवलपमेंट होता है उसका यूट्रस में ठीक है तो ऑप्शन नंबर फोर जो है वो अपना करेक्ट है ठीक है चलिए थैंक यू